continue to topic. So next is your total internal reflection. So T for total, I for internal, R for reflection. So what do you mean by total internal reflection? तो नाम से पता लग रहा है कि जिस प्रोसेस में इंटरनली कोई चीज रिफ्लेक्ट होगी, इट मीन्स यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा. इट मीन्स रिफ्लेक्शन नाउ विल बी ओवर, नाउ अगेन वी विल गो टू रिफ्लेक्शन. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द TIR एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू बी कंसीडर्ड व्हाइल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो फर्स्ट कंडीशन इज लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर. तो लाइट हमेशा, अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करना है तो लाइट हमेशा ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ. तो लाइट हमेशा डेंसर से रेयर की तरफ ट्रेवल करेगी. नंबर टू इज, सो नंबर टू इज light must be incident at an angle more than the critical angle for the denser medium. तो light जिस angle पे incident होगी वो angle critical angle से बड़ा होना चाहिए. So वो angle critical angle से बड़ा होना चाहिए. It means the angle of refraction should be greater than angle of incidence. Let us understand. So suppose this is your water and this is your air. So as the first condition is light should travel from denser to rare medium. So when light is going from denser to rare medium, light ray will bend away from normal. So agar ye normal hai, light ray aise aayi to light ray aise ho jayegi, it will bend away from normal. So here this is the incident ray, this is the incident ray, this is the normal. To agar incident ray yahan par strike karti hai to wo bend away from normal ho jayegi. It means coming ye hua ki jaise jaise main angle of incidence ko badhaunga वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका बढ़ेगा. और सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी? सेकंड कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो लेट अस सपोज फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आर वन विल बी दिस. मान लीजिए मैंने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दिया, इट मींस लाइट विल इंसिडेंट लाइक दिस. अब लाइट एस इंसिडेंट हो रही है तो लाइट विल रिफ्लेक्ट. तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्शन एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, सो it is the angle of incidence at which your angle of refraction will become 90 degree. Iska matlab jaise hi maine is ray ko thoda sa aur iska angle badha diya, pehle angle ye tha, agar maine aur badha diya to is hisab se ye ray aur bend ho jayegi and it will become 90 degree. So angle of refraction is, so उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जिस वैल्यू पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है. सो इट मींस आईसी मींस क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, योर एंगल आर विल बी योर 90 डिग्री. एंगल आर विल बी योर 90 डिग्री. इट मींस क्रिटिकल एंगल वो एंगल है इंसिडेंस का जिस वैल्यू पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा. अब टू ऑब्जर्व द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. तो जब आपकी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो अगर मैं अपने इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दूंगा तो
मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्रैक्शन ना होकर के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब ये रे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पे, सॉरी ये क्या है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस क्रिटिकल एंगल पे आर क्या 90 डिग्री है, तो अगर मैं इस एंगल को और बढ़ा दूंगा तो ये जो नाइन ये जो रे है ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स व्हेन आई इंक्रीज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस विद सम मोर वैल्यू देन द रे विल सफर रिफ्लेक्शन, द रे विल सफर रिफ्लेक्शन। सो एज द रे इज एज द इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन द रे विल गेट रिफ्लेक्ट इन टू द सेम मीडियम। दैट्स व्हाई एज द, क्योंकि यहां पर मीडियम दोनों क्या है सेम है, लाइट डेंसर मीडियम से आ रही है, लाइट डेंसर से ही आई और क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ज्यादा होने पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया 90 से ज्यादा हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मेरा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई मेरा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाएगा तो जो मेरा आर है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा एंड द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द सेम मीडियम। So as a light gets reflected in the same medium, so that's why it is called total internal reflection. So दो चीजें हैं इसमें, एक है पहली condition ये है कि to observe the total internal reflection, the light should travel from optically denser to rare medium, and second, the light should be incident at an angle of incidence such that the angle of reflection should be greater than angle of incidence. ठीक, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी हमेशा मेरा रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा बढ़ेगा। सो अब उससे वो बड़ी था क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जिस वैल्यू पे अगर मेरा रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए। सो जैसे मैंने ये आई था मैंने इस एंगल थोड़ा और बढ़ा दिया तो मेरा एंगल ये रे क्या होगी थोड़ी और बेंट होगी एंड इट विल बी योर 90 डिग्री। सो मीन्स एट द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एट विच कि इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिस पे आपका रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री है वो वैल्यू हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब मान लो अगर मैं इस इंसिडेंट रे को थोड़ा सा और ज्यादा एंगल लूं और वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो उस केस में मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है जो वो 90 से ज्यादा हो जाएगी। इट मीन्स light will not undergo refraction, now it will reflect back into the same medium, so that's why it is called total internal reflection. So ab kyunki light ab aapki kahan se kahan ja rahi hai w mu a will be equal to sine of ic by sine of 90, to hum maine kaha critical angle तो सिलेंस रूल लगाएंगे क्या बनेगा म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई सी बाय वन। इट मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ डब्ल्यू म्यू ए विल बी इक्वल टू साइन आई सी। So, light is going from water to air. So, sin IC by sin 90. Sin IC by sin 90, it is mu A by mu W and W mu A will be equal to sin IC or we can write here A mu W is your 1 upon sin IC. So, this is the procedure for understanding total internal reflection. So, after this, two more topics are remaining. One is always factors the lateral shift depends when the light undergoes refraction through transparent glass slab and lens में two types होगा convex lens and concave lens. Then we will do the image formation. So we will do in the next lecture. So any doubts? हाँ जी
ठीक है, ओके, सो थैंक यू।